पालिका आरएस पूरा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलकू नाले की सफाई करने की मांग शिवनगर के लोगों ने की। वहीं समाज सेवक इंद्रजीत सूदन की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन करने पर कहा गया कि पिछले कई वर्षों से नाले की सफाई नहीं की गई है। अब बरसात के दिनों में पानी एकत्र होने पर आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा जो वार्ड नंबर 12-13 का जो मुख्य पुल है, आप जो देख रहे हो कि ये मेरा कह रहा है, ये नाला जो है सदियों से ही ऐसे कच्चा है और इतने इसके भी देखो इस साथ में लगता है इसका गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो कि आज से 30 साल पहले बना हुआ स्कूल है, उसके साथ ये जो नाला है बिल्कुल कच्चा है। इस तरफ भी देख लिए, इतनी बुरी दुर्दशा है, इतना बुरा हाल है। हम ये चाहते हैं, बड़ी बार मैंने इसका प्रोटेस्ट किया, कम से कम 50 बार मैं प्रोटेस्ट। ये देखो नाले किन्नी किनारा दुर्दशा है और म्युनिसिपल कमेटी वाले कोई बंदा नहीं इतने दिखने आता। पूरी नवा शहर आनी है, राती दुकानदार ऑटो पर जिन्नी गंदगी इतना सुटी जाते हैं, इतने चाहिए जंगल लगने। मेरी जमीन 4 घमा है, बॉर्डर तक देखो सारी लोगों की जमीन जिन्नी बेकार हुई है, सारा गंद साड़ी जमीन से पाँदा है। अस म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन का भी ईओ साहब गए इे दरखास्त करें कि एक पुल खुला जा दूसरा, जी गंदगी देखो पूरा नवा शहर अस पूरा इतने गंद सुटी जाता, राती आनी तोड़े भरी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आए इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। मैंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, पिछले हफ्ते में ज्वाइन किया है, तो मैंने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड में ये चीज़ पाई गई कि ये जो जिस नाले का प्रोटेस्ट आज हुआ है उसका काम अभी तक हमारे कागज़ों में नहीं है और ना ही इसको प्लान में रखा गया है। नेक्स्ट ईयर का जो प्लान बनेगा उसमें हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि सबसे पहले इस नाले को हम रखेंगे रिसेंटिंग के लिए, चाहे इसके रिपेयर के लिए होगा, चाहे रेनोवेशन के लिए होगा। ठीक।